चाहिए। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप लोग? जब मैं इस कमरे से अंदर एंटर करा मैंने, तो जो एक वाइब महसूस हुई, जो एक एनर्जी महसूस हुई, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि प्रिंसिपल सर ने और अमर उजाला टीम हमीरपुर ने मुझे यहाँ चुना और बुलाया और इतना प्यार, निर्मल स्नेह, सच्चा सम्मान मुझे दिया। थैंक यू सो मच। झूठ नहीं कहूँगी, ये मेरा पहला, आप कह सकते हैं कि एज अ चीफ गेस्ट, बच्चों को संबोधन करने के लिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि मैं डगमगाऊँ, कुछ गलत बोलूँ, या यू नो थोड़ी सी मतलब नर्वस भी मैं हूँ, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप में से भी कोई बच्ची को यहाँ बोला कि इधर आओ, और क्लास में अगर आपके 95% मार्क्स भी हैं और बोला कि इधर आओ के बताओ ज़रा वो 95% कैसे आए, डर लगेगा? यस yes, yeah. बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना? तो मैं अपना जो है परिचय थोड़ा सा दे देती हूँ। अपने बारे में ज़्यादा व्याख्यान नहीं करूँगी, आज हम आप लोगों के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ आई ही आप लोगों के बारे में बात करने के लिए। मेरा नाम उशीन शर्मा है, उम्र 29 साल, और मैं शिमला में पैदा हुई और शिमला में ही बड़ी बनी। और मेरी हॉबी जो रही है वो रही है पेंटिंग और डांसिंग। आई एम अ ट्रेंड कथक डांसर। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ अपने पेरेंट्स का, स्पेशली मेरी मदर का, जिन्होंने बोला कि लाइफ में स्टडीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट है आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, यानी वो चीज़ें कि जब लाइफ में कभी आगे, क्योंकि देखो पढ़ाई करके जॉब लगना ही सब सिखाते हैं कि जॉब लगनी है। अगर मान लो उस जॉब में तुम डगमगा गए, या मान लो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें फायर कर दिया प्राइवेट जॉब में, या मान लो पब्लिक जॉब में तुमसे कोई गलती हो गई, अब हस्ताक्षर भी गलती हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत सारे पेपर्स अगर गलत भी साइन हो जाए और आपको मान लो कि आप इंक्वायरी वहाँ पे बैठ जाती है, या फिर आप पर्सनल लाइफ में फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या काम आएगा बताओ? कैरेक्टर काम आता है, और वो हॉबीज उस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए एक वन ऑफ द जरिया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो निर्माण है ना, चरित्र का निर्माण है, वो बचपन से शुरू हो जाता है, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि मैं कथक डांसर हूँ, क्योंकि डांस आपको अपने अंदर से जोड़ता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुत बच्चियाँ डांस भी करती होंगी। रेज योर हैंड्स प्लीज। दूसरा इसलिए क्योंकि उसमें जो मेन लीड था, दैट ह्यूमन, दैट मैन इज एन आईएएस ऑफिसर। तो ये किसने कह दिया तुम्हें कि अगर तुम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में आ गए तो तुम्हारी प्रतिभा जो है वो छुप जाएगी? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में, मैंने 26 साल की जब मैं थी, मैंने तब सोचा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिठाया, मेरा निकनेम गुड्डू है, ठीक है, गुड्डू बैठ जा, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मास्टर की डिग्री हो गई तेरी कंप्लीट। आई हैव डन मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस चंडीगढ़। डिग्री बहुत बढ़िया है, हो सकता था किसी इंडस्ट्री में चली जाती, लेकिन मन नहीं मान रहा था। क्यों? प्लस टू के बाद डॉक्टर बनना चाहती थी, एमबीबीएस बनना चाहती थी, लेकिन बीडीएस में आ गई। अब वो मेरी कामचोरी है कि मैंने फिजिक्स पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद गुस्से में आके मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला में एडमिशन ले ली। मम्मी ने कहा चंडीगढ़ तो नहीं भेजूंगी, वहाँ पे ये हो गया है, कुछ लीक्स हो गए हैं, वहाँ ऐसा माहौल है, नहीं भेजा पेरेंट्स ने। तो गुस्से के मारे मैंने कहा बीच कॉलेज तो मैं नहीं जाऊँगी, जाऊँगी तो अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जाऊँगी। मैं वहाँ एडमिशन ले लिया, मुझे लगा शायद फर्स्ट ईयर में मैं शायद एमबीबीएस दोबारा क्लियर कर जाऊँ, बट ना 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 ना, डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स फॉर मी। उस समय तो हम बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से अंदर से मेरा मन हुआ कि यार मुझे ना जर्नलिज्म करना है, क्योंकि मुझे लगता है मैं पटर बहुत अच्छी कर लेती हूँ, है ना? लेकिन फिर क्या हुआ, वो माहौल भी उस समय मुझे वहाँ पे नहीं मिला। पेरेंट्स ने कहा डंडा पड़ेगा, या हमारे एक लोकल स्लैंग है फ्लाइंग चप्पल आएगी, ठीक है? तो जर्नलिज्म का सपना भी हो गया गुल। तीसरा मुझे लगा, मैं कॉलेज में गई, मैं पटर अच्छी करती थी, यही चीज़ वहाँ पे एबीवीपी वालों ने देखी और मैं वाइस प्रेसिडेंट कॉलेज की बन गई। फिर मैंने वहाँ पे भाषण की कला जो है उसमें सीखने में अपने को पूरा का पूरा लगा दिया। मुझे आज वही टाइम याद आ रहा है जब मैं कॉलेज में
जाती थी और क्लासेस में जाके हम लोग काफी बोलते थे, बट उस समय का बोलना और आज के समय के बोलने में जमीन आसमान का अंतर है। तब मेरे दिमाग में पीछे से ब्रेन वॉश करके जो भी उन लोगों ने बोल दिया होता था, मैडम जी ये बोलना है, मैं वो बोलती थी, पर जो मैं आज बोल रही हूँ वो अपनी रूह से बोल रही हूँ, अपने दिल से बोल रही हूँ, तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं चली गई चंडीगढ़। मैंने कहा हिमाचल में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम है, मैं अब बाहर जाऊंगी। मैंने एंट्रेंसेस दिए और बाय गॉड्स ग्रेस, उस ईश्वर की ऊर्जा से मैंने एंट्रेंस में टॉप किया था, एचपीयू में भी, केमिस्ट्री में भी और जूलॉजी में भी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे जाना था और वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री, तो ही सुरक्षित रहेगी, यानी फाइनेंशियल सेल्फ डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द की। मेरी मम्मी मुझे पहले बोला करती थी, गुड्डू पढ़ ले पढ़ ले। मैंने कहा क्यों? बोला नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा तो? मैंने कहा हम तो लड़कियां हैं और हमारी तो शादी हो जाती है, हम तो सामने वाले से भी ले लेंगी। तो फिर वो कहती हैं कि फिर एक छोटी से छोटी लिपस्टिक के लिए भी ना अपना झोला फिराती है ना कि भैया पैसे दे दो, मैंने लिपस्टिक लेकर आनी है और वो भी आपको थोड़े समय ही देंगे। हेलो कि दूसरे के घर से आए हुए गहने पहने लाखों के, 10 लाख के, 12 लाख के, या कलम की शक्ति से इतिहास बदल देना है, ये तुम डिसाइड करोगी आज कि वो गहने पहन के बड़े बड़े बंगलों में रहना है, 4-5 मंजिल के मकान में रहना है, या फिर क्या करना है, कलम से इतिहास बदल देना है, ये तुमने डिसाइड करना है। इसको घर में बैठ के सोचना तुमने करना क्या है। किसी ने मुझसे कहा ओशन एक्सपेक्टेशंस को लो रख लाइफ से और एस्पिरेशंस को हाई रख लाइफ से। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, If you will live your life with the basic needs, then only अपने aspiration को तुम ऊपर रख पाओगे। This is the only way। ये नहीं होने वाला कि मेरी expectation ताजमहल जैसी है और मेरी जो aspiration हो वो उससे भी बड़ी हो, ये नहीं हो सकता। Life में एक ही चीज़ मिली है और तुम्हें क्या चाहिए ये तुम्हें decide करना है। Am I clear with the career point? Yes, ma'am। कुछ भी करो कम से कम पाना, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, बात खत्म, सारी हो जाती। मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने ही घर के दूर के चाचा भैया आके गलत तरीके से छू जाते हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, आजा मैं बताता हूँ, आजा मैं सिखाता हूँ, हाँ या ना? Yes, yes. Yes. कैसा लगता है, गंदा लगता है? Yes. यानी हमें अपना डिफेंस जो है वो खुद तैयार करना होगा। उस वक्त तो जब ये चीज़ें हो रही है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन है कि जाके अपने घर के बड़ों को बताओ तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम उस वक्त चुप रह गई तो तुम जिंदगी भर चुप रह जाओगे, तुम जिंदगी भर चुप रह जाओगे, मैं सच कह रही हूँ। yes. तुम्हें अंदर से वो ना कोई भी रोजगार तुम्हें प्लस टू के बाद मिलता है, अभी तो 10th लेवल पे भी नौकरियां दे रहे हैं, उसको उठा लो और ऐसा जीवन जीने के लिए शुरू हो जाओ जहां ना तुम्हारे पास अपने लिए लक्ष्य है ना दूसरों के लिए तुम कुछ कर पाओगे। या दूसरा विकल्प देती हूँ जो हम औरतों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है, शादी कर लो। शादी करने के बाद अपने जीवन साथी पे वो जैसा भी मिले उस पे निर्भर हो जाओ। पर मैं एक बात बता दूँ, इस निर्भरता की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है, गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, खुदा ना खास्ता कल को पर्सनल लाइफ में कोई तूफान आ गया तो ये रोटी कपड़ा मकान किराए के लिए ढूंढ नाचती फिरोगी। एक तीसरा विकल्प आज रखने जा रही हूँ, तुम बच्चियां हो, तुम लोगों में मुझे पार्वती का अंश दिखाई देता है। एक बात बताना चाहती हूँ, हिमाचल को देवभूमि कहा गया ना इसलिए भी कहा गया कि यहाँ पे बहुत साल पहले देवों का वास था, बट इसलिए भी कहा गया क्योंकि इस धरती पे, इस हिमाचल में पार्वती माँ ने शिव के साथ घोर तपस्या की थी, लोक कल्याण के लिए, लोक निर्माण के लिए तपस्या की थी और उसी पार्वती का अंश आज मुझे आप सब में दिखाई देता है। हम औरतें ही हैं जो 3 चीज प्रोवाइड कर सकती हैं इस दुनिया को, सॉरी मर्द नहीं कर सकते,
नंबर वन, निर्मल स्नेह, प्योर प्योर निर्मल स्नेह। अपनी माँ के पास जाके बैठो तुम्हें महसूस हो जाएगा निर्मल स्नेह। दूसरा, सच्चा सम्मान। बहुत लोग आएंगे, बहुत आडंबर आएंगे जो बोलेंगे नमस्कार जी, नमस्कार, आपके भले के लिए आए हैं, बट नहीं 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 नहीं, जो औरत एक सम्मान प्रोवाइड कर सकती है वो सम्मान कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। बोला जाता है दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, हु वुमन हु इज गिविंग हिम थ्री थिंग्स। नंबर वन, निर्मल स्नेह, दूसरा सच्चा सम्मान, तीसरा संपूर्ण सहयोग। अपने घर के बड़ों को बताओ तुम्हारे साथ हुआ, अगर तुम उस वक्त चुप रह गई तो तुम जिंदगी भर चुप रह जाओगी, तुम जिंदगी भर चुप रह जाओगी। मैं सच कह रही हूँ, yes. तुम्हें अंदर से वो ना कभी हिम्मत नहीं आने वाली कि मेरे साथ गलत हुआ और मैं बता नहीं पाई। समाज आप लोगों को ये जरूर कहेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब मेरे साथ गलत पहले हुआ तो तूने पहले क्यों नहीं बता दिया? क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है कि हम चुप रहती हैं। चुप नहीं रहना, जब ऐसा इंसिडेंट हो तुम वहां कुछ नहीं कर पा रही हो इट्स ओके, क्योंकि रिश्तेदार है व्हाटएवर इट इज, बट तुरंत अपनी जाके किसी अपने बड़े अपने करीबी इंसान को बताओ। यानी नारी के पास दो विकल्प है कि या तो वो खुद डिफेंस क्रिएट कर ले या अपना डिफेंस आगे जाके खुद बनाए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं उन बच्चों को खरगोश बोल रही हूँ यहाँ, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको 3 से 5 साल तक सींचो। सींचो का मतलब है उन्हें निर्मल स्नेह, सच्चा सम्मान और संपूर्ण सहयोग दो, और वो बच्चे कल की डेट में तुम्हारे अभिमन्यु और लव कुश बनके तुम्हारे डिफेंस के लिए खड़े होंगे, मैं ये शर्त लगा सकती हूँ। और ऐसे होगा चरित्र निर्माण और ऐसे होगा युग निर्माण, क्योंकि चरित्र निर्माण ही युग निर्माण की नींव है। क्या मेरी बात समझ आई? आज की जो ये कुटुंब वाला जो फीलिंग है ना, फैमिली, ये ऐसे ऐसे ही डेवलप होनी है। मैं तुमसे यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरा डिफेंस बनो और लाइफ लॉन्ग के लिए मैं तुम लोगों का डिफेंस बनूँ। ये इंटरेक्शन मैं जैसे नहीं क्योंकि मैं यहाँ आ गई, बात कर ली, भाषण दे दिया, मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई नेता नहीं, ना मुझे वोट चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने इतना बोला है कि जो भी जहाँ भी मिले जितने भी समय के लिए मिले उसके लिए अपनी आखिरी क्षमता तक खुद को निछावर कर दो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन तुम ये करने लग जाओगी ना, तुम्हारी लाइफ से अरे कठिनाइयाँ, नेगेटिविटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सारी की सारी चीजें बहुत बहुत छोटी हो जाएंगी। हमें प्रॉब्लम, हनुमान जी आपको याद होगा कि वो अपनी पावर भूल गए थे, आप लोगों को याद होगा कि वो अपनी शक्तियां भूल गए थे, फिर उनको तो फिर क्या हुआ था, कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि उनको अपनी ताकत का अनुमान हो गया। तो जब बात चलती है भाई नारी सशक्तिकरण करो, अरे क्या करो, हम ऑलरेडी सशक्त हैं, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी धूल मिट्टी जो ऊपर सरफेस पे जम गई है ना उसको थड़ाक करके क्या करना है, फूंक मार के उड़ा देना। यानी हम ऑलरेडी सशक्त हैं, हमें सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, हम वो हनुमान है जो अपनी ताकत को भूल चुके हैं।